बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर से आज हमें अपने शो का आगाज करना पड़ रहा है। क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 3 दहशतगर्दों का हमला होता है और उस हमले में एक भारी तादाद में हम लोग अपने कैडेट से जान जो है वो अपने हाथ धो बैठते हैं। जिस तरीके से हम लोगों को नजर आया, 69 कैडेट्स शहीद हो गए और तकरीबन 127 के करीब बताया जा रहा है कि जख्मी हो गए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल क्वेटा में मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, ये वाकया तब होता है जब तकरीबन 2 दिन पहले 43 बागी जो हैं सरेंडर करते हैं और ये सरेंडर करने के बाद 2 कमांडर्स इनमें होते हैं जो कि बराहम दाग गुट्टी के खिलाफ भी बात करते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन बताया ये जा रहा है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि इन तमाम लोगों का ताल्लुक या इन तमाम लोगों की कनेक्शन जो हैं अफगानिस्तान से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान से कंटिन्यूस इनको दी जा रही थी, तमाम बातें बताई जा रही थी और तमाम इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, वो अफगानिस्तान से उसके जाकर ताने बाने मिलते हैं, ये तो सामने है ही है। लेकिन कई जगह से ये भी कहा जा रहा है कि इनको देखकर या इनकी शक्लो सूरत देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये पाकिस्तानी नहीं है बल्कि पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं। ना तो ये मकामी है ना ये पाकिस्तानी है, तो फिर ये आए किधर से, सवाल ये भी पैदा होता है। और बलूचिस्तान में पहले ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। ईद मुहर्रम के ऊपर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिनको नाकाम बनाया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है खाबर घुमन साहब ने। खाबर घुमन साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है ब्रिगेडियर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। क्वेटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ एक सबसे पहले तो उस शख्स का, उस जवान की जो है बात किए बगैर हम नहीं रह सकते जिसके जिंदा रहने तक ये दहशतगर्द उस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एंटर नहीं हो सके थे। ऐसे लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं जो कि अपनी जान कुर्बान करके दूसरों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इसके ताने बाने जाकर अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, अफगानिस्तान से कौन कंट्रोल कर रहा होगा? बहुत शुक्रिया अनीका, आज बहुत अफसोस है, बड़ा दुख है। जितना इस पर रोया जाए उतना कम है, क्योंकि वो बड़े यंग बच्चे थे जो इस दहशतगर्दी का शिकार हुए होंगे। असल में ये वाकयात जो तवातुर से कुछ डिले के बाद होते रहे हैं और ये APS में हुआ, उसके बाद आपने देखा कि यही चीज़ बाचा खान यूनिवर्सिटी में हुई। अब ये सोच की आपकी सोच को बहुत बड़ा कर देती है और ख़ास तौर पर क्वेटा के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें आपने पीछे देखा कि पिछले दिनों जो अबरहमदाद बुख्ती जो है वो गया इंडिया गया और इंडिया में वह जाके उसने असाइलम के लिए अप्लाई किया। उसके साथ साथ वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट, इंडियन लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स आई, वो बारहा तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर टेरर फैलाने के लिए काफ़ी थी। उसके साथ साथ जब हम बाहर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा फजलुल्ला का एलिमेंट है जो कुनर में और नूरिस्तान में मौजूद है और वो उसको पूरे तरीके से रॉ और NDS सपोर्ट कर रहा है। बल्कि अगर आप थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करेंगी तो बदख्शां में एक कॉमन इंटेलिजेंस सेंटर है और एक रफीकाबाद में है जहाँ पे मुसैद, NDS और रॉ जो है वो कम्बाइंड काम करती है। रफीकाबाद में तालिबान ने हमला किया था कोई 2010 में उस सेंटर पे, वो इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर है, यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है यंग रिक्रूट्स को पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए। और वहाँ तालिबान ने कुछ 6 इजरायली मारे थे, 10 वहाँ पे मौजूद थे। अब ये बाहर के नेक्सस रॉ के अपना NDS के और फजलुल्ला के, खालिद खुरासानी के और जो लोग वो तो मौजूद हैं। हमें ये रियलाइजेशन है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। अभी चूंकि मुहर्रम गुजरा और मुहर्रम में कुछ नहीं हुआ, बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ बाहर से नहीं पर अंदर से भी, अभी से नहीं बल्कि 1973 में भी एक इंसर्जेंसी हुई थी, उसमें भी लोग भाग के बलूचिस्तान चले गए थे और हरबियार मरी का जो वालिद फादर थे वो गए थे, उसके साथ जनरल शेरफ, आपने एक नाम सुना होगा। उसके बाद ये डोम अली गुल ठिंगयानी एक नाम है, गुलाम रसूल जिंगी एक नाम है, ये तमाम लोग जो थे ये अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान के अंदर ये टेररिज्म जो है फैला रहे थे और ये 4 साल जारी रहा था। अब बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त एक तो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं,
जिसके अंदर आपने देखा BLA है, BRA है और वो डॉक्टर अल्लाह नज़र है उसकी जो वहाँ पे मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, उसके साथ कुछ और नए लश्कर बलोचिस्तान और इस किस्म के लोग आए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे एक सेक्टेरियन एलिमेंट्स भी अब जनरेट कर गया है और वो सेक्टेरियन एलिमेंट लश्कर जंगली से आगे जाता है। और आपने देखा इससे पहले उन्होंने हज़ारा ट्राइब के खिलाफ जो कुछ किया, अपना बसों में लोगों को मारा और बाकी चीज़ें की, तो ये सेक्टेरियन नेशनलिस्ट और सब नेशनलिस्ट का जो एक नेक्सस है, ये नेक्सस कायम हुआ है अजीत कुमार डेविल का जो सेटअप है, रॉ का जो सेटअप है और जो कुछ वहाँ पे फजलुल्ला बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये लिंकेज आपने तोड़ते हुए ये सोचना था कि ये जो बलूचिस्तान ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जो वाक़ है सरियाब रोड पे, और आपको पता है सरियाब रोड बड़ी वर्किंग किस्म की रोड है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक चलती है और ये चूंकि पुलिस के अंदर अब इंडक्शन नई शुरू हुई है और उसमें आप बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यूथ को ले रहे हैं, तो इसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें हैं उसके अंदर आपको कोई लैप्सेस नज़र आ रहे हैं। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद थी कि जी कोई ना कोई इस तरह का वाक़ हो सकता है, रेड अलर्ट वहाँ मौजूद था, रेड अलर्ट पे था कोयटा पूरा, लेकिन अगर रेड अलर्ट पे था इसको गौर कीजिएगा, अगर वो रेड अलर्ट पे था तो उसके तीन सिक्योरिटी पैरामीटर्स बनने थे। एक गेट का सिक्योरिटी पैरामीटर था, उसके अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी पैरामीटर होता है और फिर आपके जो बाहर के ऑब्जर्वेशन और वॉच टावर्स होते हैं। नहीं, कोयटा वाज ऑन रेड अलर्ट। सरियाब रोड एंड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फॉल्स इन द विसिनिटी ऑफ कोयटा सिटी, ये कोयटा सिटी कंसीडर किया जाता है और उसी के इलाके में आता है, उसी की पुलिसिंग में आता है, क्योंकि बलूचिस्तान में कुछ एरियाज हैं जो बी एरियाज भी हैं, ये ए एरिया में शुमार होता है और ए एरिया में जितने इलाके हैं वो सब पुलिस और एफसी की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। ये जरगुन रोड कोयटा में, उससे आगे बढ़े तो सरियाब रोड बनती है, उससे आगे बढ़े तो बोलान रोड बनती है और ये एक सड़क है जिसके ऊपर अक्सर औकात इस तरह के वाकया देखने में आते हैं। रेड अलर्ट था खावर साहब, रेड अलर्ट के बावजूद, और ये बताया गया कि मुहर्रम में, ईद में बहुत सारे वाकयात को रोका गया, दहशतगर्दी के वाकयात को, लेकिन वजह क्या है कि बलूचिस्तान में बहुत बेहतरी आई, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, उसको हम बिल्कुल निगेट नहीं कर रहे, लेकिन अब तक ये पूरे तरीके से वाकयात रुक नहीं पाए। अस्सलाम वालेकुम अनिका, बेशक बहुत बड़ा एक अफसोसनाक वाकया हुआ है ये, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बयान किया, अब इसको थोड़ा सा कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। आप पिछले चंद महीनों से आप ये देख रहे होंगे कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट किया जा रहा है और इस आइसोलेशन के लिए हर जगह पे एफर्ट्स हो रहे हैं, और ये जो आप देखिएगा, मेरी रात भी कुछ चंद लोगों से बात हुई, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह ना करे कि ऐसे वाकयात हों, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इनको न्यूट्रलाइज करें, लेकिन वो जो सारे स्लीपर सेल थे, जो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, आर्मी, सिविल आर्म फोर्सेस इनके खिलाफ घेरा तंग किए जा रहे हैं, तो सारे वो स्लीपर सेल उन्होंने सबको इनिशिएट कर दिया, सारे पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे उनको साफ टारगेट्स नज़र आ रहे हैं। अब जब बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन, इस्लामाबाद में बैठ के मैं जब देखता हूँ, आप लोग लाहौर में बैठ के, तो सर्टनली ये क्वेश्चन जेहन में आता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे जो ज़्यादा कास्ट, गवर्नेंस कास्ट पर कैपिटा है वो बलूचिस्तान की है, जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, वहाँ पे प्रेजेंट जो फुटप्रिंट्स है लिवाइज का, पुलिस का, सबका बहुत ज़्यादा है, और इसके बावजूद इस तरह का इतना बड़ा वाकया कैसे हो जाता है, जबकि ये जितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी टारगेट पर हैं। इसमें तीन चार चीज़ें जिस तरह थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब ने बयान किया, मैं एक चीज़ का जो स्पेक्ट्रम ऑफ थ्रेट है वो देखें, ठीक है, एक तो मजहबी इंतहा पसंदी वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर कौमियत के बेस पे जो कुछ ग्रुप्स लड़ रहे हैं, और साथ साथ उस पर अगर हम देखें तो नज़रियाती जो लोग जिसमें BLA है, BRA है, वो लोग हैं, और उसके साथ साथ ये जो एक्सटर्नल नेक्सस है वो इतना एक विशियस सर्कल बना हुआ है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर उनको जो कुछ चीज़ नज़र आती है तो उसको वो अटैक करने जाते हैं, और अब आने वाले दिनों के अंदर इस तरह का तो मोमेंटम और बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम बहुत ही एक क्रिटिकल स्टेज पे खड़ा है जिसमें आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड पे प्रेशर बढ़ रहा है, हमारे अनफॉर्चुनेटली US के साथ वो जो एक डिप्लोमेटिक टाइज कुछ अर्सा पहले तक बहुत बेहतर थे, अब उसमें उस तरह की बेहतरी नहीं रही, तो अब देखना ये है कि इस हालात में हमारी जो
सियासी क्यादत है वो इस सारे इशू को किस तरह हैंडल करती है और उसमें अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी इस मौके पे जहाँ पे हम इस सिविल जो मिलिट्री रिलेशनशिप है जिसको बहुत बेहतर होना चाहिए था वो आपने पिछले दिनों देखा जो हालात खराब हुए एक स्टोरी लीक होती है और उसके बाद फिर अब सबको पता है कि वो सारे हालात आजकल बन रहे हैं ठीक है चलिए वो उन हालात के बारे में बात कर लेते हैं जी उन हालात के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि ये जो सिविल मिलिट्री टाइज जो आजकल जिस तरह के जो क्राइसिस फेस कर रही हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये सारे एफर्ट्स ये सवाल जरा लेकर चलेंगे खावर साहब सवाल जरा लेकर चलेंगे अनवारुल हक काकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से अनवारुल हक काकर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन बलूचिस्तान में बहुत बेहतरी आई है इसमें कोई डाउट की बात नहीं है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी बलूचिस्तान की हद तक अगर हम देखें तो बहुत अच्छे हैं लेकिन क्या ऐसी वजह है कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिस पे फिर सवाल उठाना पड़ जाता है कि ये एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है अगर रेड अलर्ट की बात की जाए तो फिर रेड अलर्ट तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तो डेफिनेटली एक टारगेट हो सकता था देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है कि विजिलेंस का लेवल बढ़ना चाहिए ये इससे पहले कि इस पे किसी जजमेंट पे हम पहुंचे मैं आपको अर्ज करता चलूं कि यहाँ पर जिस किस्म की ये फैसिलिटी है एक तो बहुत ज्यादा गेट और हॉस्टल के बीच में लंबा डिस्टेंस है सेकेंडली यहाँ पर नॉर्मली अनआर्म्ड हमारे जो रिक्रूट्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग होती है इनके पास असलहा नहीं होता तीसरा यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री वॉल है नॉर्मली मेरे नोटिस में ये बात आई है कि इस पे रिक्रूट्स भी और दूसरे लोग बाज औकात दीवाने फलांग के भी जाते हैं इनमें शायद ये मेरा अपना व्यू है कि ये भी एक फैक्टर होगा कि अगर वो दहशतगर्द आए हैं तो ये अननोटिस्ड हुआ है लेकिन ये तमाम पहलू जो हैं ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी इसके इस पर गौर भी किया जाएगा और जितने भी ये लैप्सेज अगर जो है बड़े अरसे से ये पुलिस के ही पुलिस बिल्डिंग ही थी बल्कि इसको किसी जमाने में यहाँ पे सिर्फ दो तीन बैरिक्स होती थी अब तो ये काफी बड़ा हो गया और इसके चारों तरफ जो है आपने देखा आपको आपको पता है कि चारों तरफ जो है इसके लिए है क्लोज्ड स्पेस है ओपन स्पेस इस पे एक तरफ आती है मेरे ख्याल पीछे वाली साइड के ऊपर जो है वो दीवार फलांग के लोग जा सकते हैं बाकी तो आपके गेट जो हैं वो एक प्रॉपर सर्व करते हैं तो एक तो होता है जैसे रिक्रूट सेंटर होता है उसमें जो अमूमन ट्रेडिशन ये है कि जो उसकी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं या उसकी जो सेंट्री ड्यूटीज़ हैं वो रिक्रूट्स को नहीं दी जाती बिकॉज दे आर नॉट फुली ट्रेंड क्या वहाँ पर कोई जो उनका पुलिस का अपना जो सर्वेलेंस का या जो आपके वॉच टावर्स होते हैं एक जमाने में तो मैंने देखा था कोई दो साल पहले कि वहाँ पे काफी लोग खड़े हुए थे क्या अभी ये चीजें मौजूद थी वहाँ पे या ये एब्सेंट थी और सिर्फ रिक्रूट्स ही जो हैं वो सिक्योरिटी की ड्यूटीज कर रहे थे वॉच नहीं वॉच टावर्स पे एक हमारा जवान जो है ना उसको सबसे पहले शहीद किया गया हिट किया गया है और कितनी तादाद में थी ये इस वक्त शायद मैं आपको कंफर्म नहीं कर पाऊंगा लेकिन वॉच टावर्स में मौजूद थे गार्ड्स और उनको हिट किया गया है उसके बाद ये एंटर हुआ और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वॉच टावर की जो लाइटें हैं वो नहीं ऑन बलूचिस्तान काफी अरसे से जी खावर साहब सवाल करिएगा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान अब तो काफी अरसे से पता है कि वहां पे क्राइसिस वायलेंस है तो पिछली गवर्नमेंट में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरान भी स्पेशल बलूचिस्तान पैकेज दिया गया था बिलियंस ऑफ रुपीस मेरे हाल में 70 बिलियन प्लस रुपीस दिए गए थे वहाँ पे पूरे शहर का इस तरह के जो एरियाज़ हैं सिक्योरिटी सेंसिटिव एरियाज़ का उनका सिक्योरिटी ऑडिट भी हुआ है और नैब के अंदर भी ये एक प्रोविजन है कि ये जो सारे एरियाज़ हैं ट्रेनिंग सेंटर्स स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स उनका एक सिक्योरिटी ऑडिट होगा और उसके अकॉर्डिंगली मेजर्स लिए जाएंगे तो जब इतना ज़्यादा आपको डेवलपमेंट ग्रांट्स पैसे भी ये दिए जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि जी जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है हमेशा फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो वो सिक्योरिटी मेजर्स या वो ये डिफेंसेस क्यों नहीं क्रिएट किए गए नोइंग द फैक्ट कि जी हमेशा बलूचिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि इंडियन अफगान जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और साथ साथ में सेक्टेरियन जिस तरह बगेश साहब ने बताया
कौमियत पसंद और आइडियोलॉजिकल बेस्ड वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा साफ टारगेट था, सबके सामने था। तो क्या बलोचिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट में इस गवर्नमेंट को भी आए हुए पिछले 3 साल से ज्यादा अर्सा हो गया, तो ये मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? देखिए जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेजर्स नहीं लिए गए, इस तरह की भी सूरत तैयार नहीं होती है। ये बहुत एक मुकाम से बेहतर समझते हैं, वॉरफेयर है इसमें, इट्स मोर और लेस लाइक अ फुटबॉल मैच। 10 किस्म के अटैक आप पे आते हैं जो आप फेल करते हैं, लेकिन 11वां आप नहीं कर पाते हैं तो आप लाइन लाइट में भी आ जाते हैं, अकाउंटेबल भी होते हैं, आंसरेबल भी होते हैं, और सारी की सारी बात उस एक अटैक के इर्द ही घूमती है, पूरा नैरेटिव उसके गिर्द घूमता है जो हो चुका होता है। हमारे यहाँ जो ये रिसोर्सेस खर्च हो रहे हैं या हमारे जो प्लान या हमारे जो यहाँ पे सिविल मिलिट्री डिवाइड का कतन कोई इशू है ही नहीं, यहाँ पे हम बिल्कुल एक पेज होके पे आके काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के बारे में वाकई में यही कहा जाता है। अनवर साहब, एक सवाल वो ये कि बलोचिस्तान का बॉर्डर जो है वो काफी पोरस है, वहां से स्मगलिंग भी होती रही, हम लोगों ने पहले भी देखा, चाहे वो लाइव स्टॉक की स्मगलिंग हो, गाड़ियों की हो, डिफरेंट चीजें, उस बॉर्डर को कितना ज्यादा सिक्योर बनाने की जरूरत है? क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान से मिल रही थी तो डेफिनेटली ट्रेनिंग या कुछ ना कुछ मुलाकात या कोई ना कोई कॉन्टैक्ट किसी किस्म का तो हुआ होगा, और ये पोरस बॉर्डर एक बहुत बड़ी बुनियाद बनते हैं इसकी वजह से, उसके बारे में क्या किया जा सकता है? देखिए, एक पूरे बॉर्डर मैनेजमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मौजूद है। मैं अभी जब हॉस्पिटल सुबह कोई 6:30-7 के करीब किया था तो वहाँ पे हमारी जो शहीद थे उनकी डेड बॉडीज मौजूद थी मॉर्चरी में, साथ में उस टेररिस्ट की भी डेड बॉडी थी जिसको हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने न्यूट्रलाइज किया था। यू कुड सी एंड टेल फ्रॉम हिज फेस दैट ही इज अ मुज़बत टू हिज फीचर्स, इसमें कोई शक गुंजाइश नहीं है कि ये अफगान और इंडियन इंटेलिजेंस का जो नेक्सस का ऑनस्लॉट है उसको हमें जरा तामुल से कहने का मेरा मकसद ये है कि हम इग्नोर कर दें, लेकिन ये जंग है, जंग में हमारी भी कैजुअल्टीज होंगी और उनकी भी होंगी, और हमने अभी तक जंग के खात्मे का ऐलान नहीं किया। वी आर इन द मिडल ऑफ द वॉर। काकर साहब की बात यह है, काकर साहब बात यह है कि एक चीज देखिए, क्वेटा को अगर आप परसीव करें तो क्वेटा 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, कैंटोनमेंट है क्वेटा शहर और नीचे आप स्मगली के इलाके में चले जाते हैं। क्वेटा के नीचे इर्द गिर्द जो है सबर्ब्स बड़े कम हैं, तो जिस तरह आपने देखा कि कैंट और बाकी स्मगली के इलाके को तो सिक्योर किया हुआ है, तो जो क्वेटा की एंट्रेंसेज है, और इतना मुझे पता है कि 4 के 5 एंट्रेंसेज है क्वेटा की, और उसके अंदर जो इंटरनल कॉर्डनिंग है, तो क्या वो एंट्रेंसेज जो हैं, क्योंकि बॉर्डर तो बड़ा दूर हो जाता है ना, वहाँ से चल के यहाँ तक आते हैं, और आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि इसमें 200% ब्रॉ और इंडियन इन्वॉल्वमेंट और फजलुल्ला की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ से ये प्लान हुआ है, वहाँ से ये डायरेक्ट हुआ है, ये नेक्सस अभी तक हम तोड़ नहीं सके, क्योंकि इंडिया में मूजी और डेविल का एक नेक्सस बैठा हुआ है जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन वाई कांट वी सील क्वेटा? आई पर्सनली फील कि क्वेटा में जो थ्रेट परसेप्शन है उसके मुताबिक हमें क्वेटा की एंट्रेंसेस को और क्वेटा की जो पेट्रोलिंग को है वो एक लिंकेज पुलिस और एफसी लिंकेज से बिल्कुल सील कर देना चाहिए। कांट इट हैपन लाइक दिस बिकॉज यू हैव मनी अवेलेबल विद यू। मैं थोड़ा सा इसमें जाहिर है इस मौके पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होती है। नहीं, वी डोंट वांट टू, अनवर साहब, वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज यू, प्लीज डोंट टेक इट इन दैट सेंस, आई वी डोंट वांट, वी आर विद यू, हमें बड़ा दुख है, अफसोस है, वो बच्चे हमारे बच्चे, चलिए जवाब हम भी रो रहे हैं, तो जवाब ले लीजिए जी काका, ये हम सबके बच्चे हैं जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान क्वेटा सेफ सिटी के नाम से हमने लॉन्च कर दिया हुआ है, वो इम्प्लीमेंटेशन की फेज में पहुंचा हुआ है। कंप्लीट सीलिंग तो शायद ऑप्शन ना हो, लेकिन कंप्लीट विजिलेंस की तरफ जरूर हमें जाना पड़ेगा। और मैं आपको, अगर कभी आप लोग तशरीफ लाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि एफसी और पुलिस की जो जॉइंट पेट्रोलिंग है, छोटे छोटे यूनिट्स बनाकर, इवन मोटरसाइकिल सवार हमने जो है ना इंट्रोड्यूस कराए हैं, दो दो चार चार के ग्रुप्स में, ये बहुत ज्यादा विजिलेंट रहते हैं। लेकिन आप खुद फोर्सेस से आपका ताल्लुक रहा है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया है कि कोई पिछले 15 दिनों से मुझे पता है कि हर रात 6 से 8 हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो स्टोरीज हम शायद शेयर नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। आज उसका रिएक्शन आया है हमारे पास, हम ये भी समझते हैं कि जो जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं
उसी तरह ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये हम उनको इलिमिनेट कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं, दे कम बैक टू अस, ये एक साइकोलॉजिकल उस पे लेवल पे भी हमारी फाइट इनके साथ चल रही है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो उज़्बेक्स है ना, आपको पता है हज़ारा कॉलोनी जो है वो क्वेटा में बड़ी डेजिग्नेटेड है, एक जगह पे मौजूद है, लेकिन ये उज़्बेक्स जो है इनके टिपिकल फीचर्स होते हैं। तो जब हम सर्विलेंस कर रहे हैं, जब हम सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये सरयाब रोड बड़ी एक तरह से प्रोन, एक वल्नरेबल चीज बनती जा रही है। इसके इर्द गिर्द जितने इस किस्म के लोग हैं उनकी तो इंटेलिजेंस आपके पास मौजूद होनी चाहिए, पुलिस के पास मौजूद होनी चाहिए। अनवारुल हक काकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हमें मसला है कि यहाँ पे जो अफगान रेफ्यूजीज हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें ये मिक्सअप हो जाता है। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज वो इस रेफ्यूजीज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनवारुल हक काकर साहब, बहुत शुक्रिया। हम दुआगो हैं कि जिस चैलेंज से आप निबरदाजमा हैं उसको हल कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम दुआगो हैं कि बलूचिस्तान की सिचुएशन जल्द ही सही हो जाएगी। खावर साहब, बलूचिस्तान को केटर करना को डेफिनेटली इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां हम लोगों ने रॉ का नेक्सस भी पकड़ा, कुलभूषण यादव पिछले दिनों पकड़ा गया, अफगानिस्तान से एनडीएस से जो लोग आते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, वो तमाम चीजें भी साथ ही साथ मौजूद है। आप देखते हैं कि कामयाबी की तरफ एटलीस्ट गामजन है, एटलीस्ट उस राह पर चल पड़े। मेरे पास कुछ लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, कुछ एविडेंस मेरे पास आया है जो वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से और ऑफकोर्स आर्म फोर्सेज ने प्रिपेयर किया, उसके मुताबिक पिछले 3-4 साल में कुछ 5000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। अगर हम उनका एविडेंस देखते हैं जो हमारे सिविल और आर्म फोर्सेज की किलिंग्स और कैजुअलिटीज हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। क्वेश्चन फिर उसी पर आ जाता है कि जब देखते हैं कि बलूचिस्तान एक क्राइसिस प्रोन है, वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे इंडियन अफगान नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, सेक्टेरियन जो आउटफिट्स हैं वहाँ पे उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो वो मेजर क्यों नहीं लिए गए इतने? अगेन ये मौका नहीं है हमें क्रिटिसाइज करने का सिविलियन गवर्नमेंट को, लेकिन क्वेश्चन रेज करने का है कि जब ये सारे इश्यूज हमारे सामने हैं तो वो क्यों नहीं मेजर लिए गए? और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि पूरे मुल्क के अंदर जब हालात हम देखते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर का, उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतरी आई है अगर देखें तो, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जिस हालात जिस तरह इम्प्रूव होना चाहिए था वो नहीं हुए। अब उम्मीद हम ये करते हैं कि जिस तरह हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नसीर, वो वहाँ पे पहले कोर कमांडर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा है, अब उनको नेशनल एक्शन प्लान का फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगा दिया है, और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो नेक्शन एक्शन प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल ट्रू लेट एंड स्पिरिट में देखने में नजर आए। चलिए यहीं से बात स्टार्ट करेंगे साहब, नासिर जंजुआ साहब की भी आपने बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की, आखिर कब खत्म होगी ये तमाम चीज, फॉर्मल वॉर में गुरिल्ला वॉर में फर्क होता है, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पे जाने से पहले बात कर रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से, खावर साहब आप बात मुकम्मल कर रहे थे, उस मुकम्मल कर लीजिए बात को, और 4 घंटे के बाद ऑपरेशन में इसको काइंड ऑफ क्लियर करार दे दिया गया, उसके बारे में भी जरा बताइएगा कि क्लियर तो करार दे दिया गया लेकिन बलूचिस्तान को कब क्लियर कराया जाएगा? अनिका, जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए जो ये अब सारी से इस सारे इशू को इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है कि सिविल मिलिट्री हमारे टाइज किस तरह हो रहे हैं। एक खबर लीक होती है उसमें सिविलियन गवर्नमेंट कहती है ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, कोर कमांडर्स मीटिंग होती है, वहाँ से एक बयानिया आता है कि यस ये मुल्की सलामती के खिलाफ ये सारा एक एक्ट हुआ है। 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया, उसके किसी किस्म का कोई उस पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आई। ये इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबर आई है, कोई उस पर किसी किस्म का कोई रिएक्शन अभी तक नहीं। या तो ये कह दे सिविलियन गवर्नमेंट कह दे कि ये रूटीन की खबर थी, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई, कौमी सलामती का मसला नहीं आया, कोर कमांडर्स मिलिट्री लीडरशिप भी यही कह दे कि ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखें यहाँ पे अगर इस तरह के इश्यूज के ऊपर एक आपका सिविलियन और मिलिट्री आई टू आई नहीं बैठ बात नहीं हो रही, आप बैठ के इकट्ठे बात नहीं कर रहे इन सारे इश्यूज के ऊपर, तो फिर ये जो सारे लोग ऑलरेडी पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ऑलरेडी वो चाह रहे हैं, पूरी कोशिश में हैं कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए। खबर आती है बैंड ऑफ फिट्स की के जी, ये सारे मामले आते हैं, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, उसके बाद ये इंसिडेंट हो जाता है। तो इसके इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये कॉर्पोरेशन ऑफ फैक्ट्स जो है, ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे दुश्मन ईस्ट वेस्ट वेस्ट और फॉरेन
और जो ये सारा एक नैरेटिव बिल्ड किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है कि हम हमारी सियासी क़यादत, हमारी फौजी क़यादत क्या इन सारे हालात को उस सिवेरिटी के साथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि इस पर एक्शन की जरूरत है। बैठक बहुत हो गई, आपने बहुत ज्यादा डिस्कशन कर ली, नैप बन गया, अब इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। अगर आप उसी तरह बैठे रहेंगे, अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि यह इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था, उसकी दीवार है और दीवार से लोग फिलहाल के आगे आगे आप आगे पीछे आ जा सकते हैं। फॉर गॉड सेक, एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे बैठा हुआ, एक टावर बैठा हुआ, आपको नहीं पता आपके वहां पे ट्रेनिंग हो रही है और आपको पता है टारगेट पे रेड अलर्ट पे एक्शन नहीं है, उसका क्या क्या की तरफ भी जाऊंगी। किसी ना किसी को रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी है ना, किसी ना किसी तो रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, बिल्कुल करनी है। लेकिन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात करें मजनफर साहब, तो बलोचिस्तान में तो कुछ सिचुएशन डिफरेंट नजर आती है ना, हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और कुछ बेहतर नजर आते हैं। और प्लस फॉर्मल वॉर में, गुरिल्ला वॉर में बहुत फर्क होता है। इस फर्क से क्या गुरिल्ला वॉर से या इस तरह के जंगजुओं से लड़ना क्या उतना ही आसान है जितना फॉर्मल वॉर में होता है पाकिस्तान आर्मी का? पहली बात तो ये तीन चीजें समझने की जरूरत है। हम बार बार सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात करते हैं, जब आपने बलूचिस्तान को देखना है उसको एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना है। और वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका अपना काम और उसके जो लिंकेज फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, उसमें आर्मी के लेवल पे आर्मी की लिंकेज जो अपने कमांड के साथ हैं वो गौर करना है। दूसरी बात ये है कि ये गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं है, ये एक थर्ड डायमेंशनल वॉरफेयर है जिसमें टेररिज्म जो है वो मेन फोकस होता है और ये आपके अर्बन एरियाज में हो रही है और इसके लिंकेज आपके रूरल एरिया से हैं और इसके लिंकेज आपके आउटसाइड दी बॉर्डर हैं और इसके लिंकेज जो है आपके जिस तरह नजर आ रहा है आपके अर्बन सेंटर्स के अराउंड है इन बलोचिस्तान। तीसरी चीज ये है कि नेशनल एक्शन प्लान आपने पूरे पाकिस्तान के लिए नाफिज किया है। क्वेटा के लिए आपको सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पे बेस नहीं करना, क्वेटा के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेटा और बलोचिस्तान के लिए बड़े स्पेशल मेजर्स लेने। चौथी अहम चीज ये है कि बलोचिस्तान का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसमें डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, यानी वहाँ पे पश्तून पॉपुलेशन है, वहाँ पे ब्रोही पॉपुलेशन है, वहाँ पे बलोची पॉपुलेशन है। बलोची पॉपुलेशन की भी डिवीजन्स हैं, उसके अंदर डोमकीज हैं, उसके अंदर जैरीज हैं, उसके अंदर ब्रोहीज हैं, उसके अंदर दुरानीज हैं, उसके अंदर बुगतीज हैं। अब बुगती को छोड़ के जो पूरे बलोचिस्तान का 0.1% बनता है उसमें जो लीड हो रही है वो बरमदाद बुक्ति हो तो बुक्ति या नजरुल्ला बलोच हो, वो तो बुक्ति ट्राइब के अंदर आ रहा है। बुक्ति ट्राइब की भी आगे सब डिविजन है, बुक्तीज हैं, कल्पड़ बुक्तीज हैं और उसके बाद जो हरबियार मरी है वो मरी इलाके से ताल्लुक रखता है और ये डेजिग्नेट होता है इलाका बलोचिस्तान का डेरा बुगती से लेके कहांग और फाजलचल शामिल करके, ये जो मरी बेल्ट है ना, कोलू, डेरा बुगती, फाजलचल, कहांग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको डेजिग्नेटेड थ्रेट एरियाज मौजूद हैं, वहां पे आपकी एफसी भी मौजूद है। अब ये जो चीजें, ये जो फैक्ट्स हैं, इनको आपने आइसोलेट करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और उसके लिए सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान काफी नहीं है, वहां पे आपको प्रोविंशियल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो काम कर रही है, लेकिन उसको पैट्रोनेज प्रोवाइड करनी है। फेडरल गम सिर्फ पैसे देना काफी नहीं होता, पैसे तो आप दे देते हैं लेकिन आपकी अटेंशन क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस भी होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो लिंकेजेस हैं, आर्मी काम कर रही है, फ्रंटियर कांस्टेबलिटी काम कर रही है, इनके आपस में लिंकेज, आर्मी ने संभाला हुआ है आपका एक डेजिग्नेटेड एरिया, उसके बाद वो पेट्रोलिंग जो एफसी और पुलिस की हो रही है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो लिंकेजेस हैं, जो मैंने आपको चीजें बताई, जब तक हम वो नहीं तोड़ेंगे उसके लिए आपको नेशनल एक्शन प्लान से आगे जाना होगा, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान की बात करें तो नासिर जंजुआ साहब भी आते हैं, काफी साहब, नासिर जंजुआ साहब की बात पहले आप बात कर रहे थे, खबर साहब, ब्रिगेडियर साहब, ये जो सारे जो आपने फैक्ट्स गिनवाए हैं ऑन ग्राउंड, ये तो अब किताबों में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, अब इस पे अब तो काफी कॉलम्स भी लिखे जा चुके, तज्जिये हो चुके, तबसरे हो चुके, अब इसको हम आगे लेके जाना है। हम ये काफी अरसे से सुन रहे हैं कि ये इस पॉकेट में बलोचिस्तान के वहां पे ये इशू है, इसको अब मसला यही है कि हम जब से ये गवर्नमेंट आई है 3 साल से सुन तो हम यही रहे हैं। अब ये अब आप कह रहे हैं कि जी उस पर सिविल मिलिट्री का उसका इम्पैक्ट नहीं है, आप दूसरी सूरत में देखते हैं कि ए एरियाज और बी एरियाज में 10% और 90% का वहां पे रेशियो है, तो वहां पे आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है, आपको उनका कंट्रोल सारा है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही है
कि बहुत ज़्यादा आपने डिस्कशंस कर ली, आपने मैपिंग कर ली, आपने उसका जो डेमोग्राफिक बायोग्राफी वो सारा आपने स्टडी कर लिया हुआ है, व्हाट नेक्स्ट? क्या हम हमेशा ही लाठी उठाते रहेंगे? मेरा सिर्फ इतना ठीक है, मेरा अब जरा दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए मैं आपसे आज ये कर रहा हूँ, आप मेरी बात अगर सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है और यहीं पे आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है। मैं आज ये कर रहा हूँ कि तारे फैक्ट्स अवेलेबल है ना, अब नेशनल एक्शन प्लान मेरी नजर में बलूचिस्तान से रिडंडेंट है। नेशनल एक्शन प्लान से आगे कोई चीज आपने करनी है बलूचिस्तान जो नहीं हो रही, नेशनल एक्शन प्लान पे बेस ना करें। नेशनल एक्शन प्लान में भी गुड, मैं तो यही लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, यही कह रहा हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान से आगे कुछ हो नहीं रहा। जब तक आप वो चीजें नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिकल चीजें नहीं करेंगे, जो नहीं हो रही है प्रैक्टिकल, हम एक चीज को शायद ओवरलुक करते जा रहे हैं। लैब्स मौजूद है, उस लैब्स को जब तक आप कवर नहीं करेंगे, और वो लैब्स जो है वो वाकई एक आपकी मीटिंग्स तो होती हैं, लेकिन जो फेडरल, मैं ये कहूंगा जो फेडरल गवर्नमेंट की पर्सनल कंसिडरेशन, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन होनी चाहिए, वो आपको, आपने प्रोविंस पे मामला ठीक है, प्रोविंस के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान नहीं चल रहा, किसी ने जिम्मेदारी लेनी है या नहीं लेनी? ठीक है, जिम्मेदारी लेनी और वो सिविल गवर्नमेंट की भी है और डेफिनेटली मिलिट्री काम की भी है, दोनों बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं। खबर साहब, हम एक चीज को थोड़ा ओवरलुक कर रहे हैं, अब सीपेक बनना है, गवादर ऑपरेशनल होना है, और गवादर के ऑपरेशनल होने में बहुत सारे ममालिक को मसला है, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली उससे डेफिनेटली तरक्की करेगा। आपको लगता है इसके अंदर इस तरह की भी कोई बात होगी कि सीपेक के बनने को किसी तरीके से मौकर उसको किया जाए, या किसी तरीके से उसमें चैलेंजेस या रोड़े अटकाए जाए उसकी राह में? अनिका, मैंने तो आप इस प्रोग्राम के शुरू के अंदर जो मेरा आर्गुमेंट यही था कि आपको आइसोलेट किया जा रहा है, इस वक्त चाइना के अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं जो आपके साथ खड़ा है। अब चाइना जब इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो उसके बाद ये सारे मामला शुरू हो गए हैं, और देखें बलूचिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब आप पिछले हफ्ते एक खबर आई है, और अगेन वही मैं आऊँगा सिविल मिलिट्री टाइज की तरफ, जो सिक्योरिटी डिवीजन है मिलिट्री सिविल गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया, एक सिक्योरिटी डिवीजन बनाया जाएगा, एक सिक्योरिटी डिवीजन बन गया, उनकी ट्रेनिंग्स होगी, हमारे आर्मी वालों ने सब ट्रेनिंग होगी। अब डिप्लॉयमेंट का इशू आ रहा है तो उस पर डिस्कशन हो रही है कि जो उसको लीगल फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करना है वो क्या होगा। मैं सिंपल सी मिसाल तो आपको मतलब आम लोगों के समझने के लिए, एक फैसलाबाद के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोजेक्ट अंडर सीपैक अगर वहाँ पर चल रहा है, चाइनीज कहते हैं हमें आर्मी की प्रोटेक्शन चाहिए। अब वहाँ पर अगर आपने आर्मी डिप्लॉय करनी है तो आर्मी के लिए उसको डिप्लॉयमेंट के लिए कोई लीगल फ्रेमअप होना चाहिए, आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर कोई अटैक होता है मिसक्रेंस का, टेररिस्ट का, उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे, तो जो आर्मी का बंदा वहाँ पे डिप्लॉय है, अगर उसने शूट करना है टेररिस्ट को, तो उसको आपने कोई लीगल कवर प्रोवाइड करना है कि नहीं करना, उस पर आप, उस पर सिविलियन और मिलिट्री गवर्नमेंट के, उस पर आप अखबार उठा के देख लें, पिछले दो हफ्ते में 2-3 स्टोरीज इस तरह आ चुकी हैं कि उस पर डिले है, फुट ड्रैगिंग हो रही है, सिविलियन गवर्नमेंट जो मिलिट्री गवर्नमेंट जो एहतियात चाह रहे हैं, जो लीगल कवर चाह रहे हैं, वो सिविलियन गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं। उसके फिर हमारे पीएमएलएन गवर्नमेंट के बड़े वो सेंसिटिव एरियाज आ जाते हैं कि अगर पंजाब के अंदर जब डिप्लॉय करेंगे ये आर्मी जाएगी, वहाँ पे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक करती है, उसके पीछे जाते हैं और पता चलता है कि जी उस वो जो आउटफिट है, बैंड आउटफिट है, उसके तो आगे जो कॉन्टैक्ट हैं किसी पॉलिटिशियन के साथ निकल आते हैं, तो वो भी उनके मसले मिसाइल हैं। और वहाँ नेशनल एक्शन प्लान आके फुल स्टॉप पर आ जाता है, खबर साहब, अक्सर उसका बड़े चैलेंजेस इधर ही आते हैं, बेसिकली चैलेंजेस इधर ही आते हैं जहाँ गैप आ जाता है। गजनफर साहब, ये जो गैप है इसको पुर कौन करे, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर बात आती है पर्सनल गेन्स, दूसरी जगह पर बात आती है नेशनल सिक्योरिटी, और इन दोनों में से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन ये बात अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, स्पेशली वो लोग जो कि इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं, कौन करेगा? असल में इस इंसिडेंट के बाद जो टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ है, पहली बात तो मैं कहूँगा वो लोग जिन्होंने खबर लगवाई है, जिन्होंने ये खबर लगवाई है और उनके नाम आ गए हैं और उनका ताल्लुक भी रूलिंग पार्टी से ही है, जिन्होंने वो जो अखबार में खबर लगाई है, उनसे तो सवाल करें ना कि आप जब ये कहते हैं कि जी फौज उनको मिलिट्री का नाम लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू, आपकी गवर्नमेंट में तो लोग मर रहे हैं, सही, तो कौन मरवा रहा है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की टेंशन नहीं है, इसके मतलब है कि आप सो रहे हैं, सिर्फ आप चाहते हैं कि अदारों को लड़ाते रहें आपस में, यही तो चीज है जो पाकिस्तान को तबाह कर रही है, और यही एटीट्यूड है हमारे लीडर्स का कि वो अदारों को क्रिटिसाइज करते हैं जिसके ऊपर से आपका मोरल डाउन है। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा, बड़ी अहम, देखिए जब आप इसको एनालाइज करते हैं ना तो सी पैक को अलग एक तरह और देखें, टेररिज्म को भी देखें, और उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखें, वो इंपॉर्टेंट चीज है जो भ्रमदाद मुक्ति जैसे जो लोग हैं,
जो उस जैसे उस किस्म के जो चेहरे जो अपने मुल जो अगर भुगती ट्राइब का आप जुल्म देखें ना उनके इलाके में, तो वो लोगों को जानवर की खाल में सी के बाहर भेज देते थे जो उनका वो, ये लोग कहाँ से बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के, वो अगर वो बलूचिस्तान की आज़ादी तो ये उसका मतलब ये है कि वो वहाँ के रिक्रूटों को मारना शुरू कर दें, तो इसका मतलब भ्रमदाद भुगती जो है वो जिन लोगों के हाथ में खेल रहा है वो जलालत की इंतहा है, मतलब वो बेगैरती की इंतहा, बलूची इतना बेगैरत नहीं होता जितना भ्रमदाद। तो बात ये कहने का मतलब ये है कि आप जब ये काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान में वहाँ पे भ्रमदाद भुगती जैसे लोग मौजूद हैं, तो उस उन्होंने एक और चीज को हवा दे दी, भ्रमदाद भुगती को तो उनका अपना कबीला डिसोन कर चुका है, और किसी बात करेंगे उनका अपना कबीला कह रहे हैं कि उन्होंने एक और चीज को हवा देनी, और वो क्या चीज है जिसको उन्होंने हवा देनी है, वो ये है कि वो बाहर बैठ कर ये कह रहा है कि ये बलूचिस्तान के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो तीन चीजें एक जगह कंबाइन हुई है, जो सी पैक, ऑफकोर्स सी पैक के ऊपर जो है वो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सर जो आपके दोस्त हैं लेकिन वो कंटेंडेड नहीं है, लेकिन ये जो इस किस्म के स्पेसिफिक एलिमेंट जो क्वेटा के अंदर के एलिमेंट्स हैं ये बुनियादी तौर पर रिलेटेड हैं, एक तो दहशतगर्दी से और दूसरे वो चंद लोग जो एक आपको पता है आजाद खान बलोच है जो जेरूशलम में एक आजाद गवर्नमेंट बना के बैठा हुआ है, उसके बाद कुछ लोग हैं जो अमेरिका में जाके बलोचिस्तान पे सेमिनार कराते हैं, कुछ वो अपने कुछ लोग हैं जो जो सरदार हैं जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, और वो वहां पे इस किस्म की चीजें जो बलोचिस्तान के ऊपर ये तमाम कंबाइन है, इसमें आपको अपना जो आपका आपका डिप्लोमेटिक चैनल जो है जो बाहर पाकिस्तान के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा की बात करें बहुत सारा प्रोपेगेंडा उसके अंदर से होता है ऐसा जो कि जाली होता है। खावर साहब आपको याद होगा लंदन में एक मुजाहिरा किया गया जिसके अंदर बलोचिस्तान के बारे में एक मुजाहिरा था जिसके अंदर बलोची अवाम तो थे ही नहीं, वो बाहर के अफ्रीकन अमेरिकन या बाहर के लोग जरूर थे लेकिन बलोची अवाम नहीं थे। तो फिर ये चीज भी सामने आती है कि जो बरामदाग भुगती जहां से फंड हो रहा है उस ट्रेल को भी चेक करने की जरूरत है, उन लोगों को उस नेक्सस को भी तोड़ने की जरूरत है। भुगती कबीला तो खुद बरामदाग के बारे में जो है बड़ी खिलाफ बातें करता है। अनिका एक चीज समझने वाली है और ये हमारे अवाम को और हम सबको ये समझ लेनी चाहिए कि जब तक इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क की सियासी क्यादत, मिलिट्री क्यादत इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होगी कुछ नहीं होगा। कल वो मार्क ग्रांट साहब आए हुए हैं, मार्क लाइल ग्रांट साहब आए हुए हैं, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली मनी लॉन्ड्रिंग के केस अल्ताफ हुसैन के अगेंस्ट बड़ा एविडेंस हमने बहुत देखा, ब्रीफ केस बड़े हमने देखे पाउंड्स के, उसके बाद पता चला जी चार्जेस हैज बीन ड्रॉप। तो ये बाहर का ये जो इंटरनेशनल नैरेटिव है वो तो बनता ही रहेगा। कमिंग बैक टू आर हमारा जो हमारा असल में इशू क्या चल रहा है, ब्रिगेड साहब ने बताया ना कि वो जो अजीब रूलिंग पार्टी के कुछ लोग उससे इन्वॉल्व हैं उस जो सिक्योरिटी मीटिंग हुई बीच में, अभी तक वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है किसी को कुछ पता नहीं है कि उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए कौन सा लीगल फ्रेमवर्क इन्वोक किया गया है, कि आपका जो सर्विस एक्ट है उसको इन्वोक किया गया है क्या, ब्रिगेड साहब उस पर मेरा बेहतर तो रोशनी डाल सकेंगे कि वो जो एक मिलिट्री एक्ट है उसके तहत भी अगर नेशनल सिक्योरिटी को इश्यूज आ जाएं तो वो मिलिट्री एट इट्स ओन भी कुछ एक्शन ले सकती है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ होना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि अगर आप ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रीच हुआ ये एक कौमी सलामती के मसले क्रिएट हुए हैं इस सारे अमल से, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ हवा में इंक्वायरी हो रही है, हवा में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑन ग्राउंड तो कुछ नहीं हमें नजर आ रहा। कौन किसको क्वेश्चन करेगा? सिंपल सी मिसाल है, अगर मेरे पास किसी बंदे ने क्वेश्चन करने आना है, ओ भैया उसके पास कुछ होना तो चाहिए ना, उसके पास कोई ऑफिशियल लेटर होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक कानून के तहत चलती है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसके साथ अगर आपने किसी से इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप उसको बुलाते हो, आप उसे इन्वेस्टिगेशन करते हो। अभी तक इस तरह का किसी लेवल पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है कल रात तक कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क इन्वोक नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसका इन्वेस्टिगेशन आप होती है ये नहीं होती उसको साइड पे रखें, लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट इंटरनेशनली अनिका देखो पाकिस्तान इस टाइम वो एक हम हमेशा से वैसे सुनते आ रहे डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, लेकिन इस वक्त हम वाकई डिफाइनिंग मोमेंट्स में आपके बैरूनी कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, 74 बिलियन हो गए हैं, वो जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं अल्लाह माफ करे कि इस मुल्क के हालात कल को आपके डिफॉल्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। आपके ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हालात आपके बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, आपका जो कोई भी रीजनल पावर आपके साथ नहीं खड़ी, उसके अलावा अमेरिकन आपके साथ उनकी अमेरिकन का एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमेशा उसका पॉइंट ऑफ व्यू के लेके चलते हैं, तो आपके सिर्फ और सिर्फ चाइना है मुल्क के अंदर। अगर आपने ये जो आपने बात की ना इन लोगों का नेक्सस तोड़ना है, तो उस नेक्सस को तोड़ने के लिए
बहुत ही कौमी यकजहती चाहिए आपको, कौमी यकजहती की जरूरत है खालिद साहब। यही चीज है जिसको हमें देखना होगा और यही चीज है जो कई जगह पर हम लोगों को मिसिंग आती है। खबर गुमन साहब ज्वाइन किया, ब्रिगेडियर गजनफर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन नाजरीन ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया इस चीज ने हम लोगों को एक बार फिर हिलाया है और बोला है, जगाया है कि एक बार फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये तमाम पॉलिसीज जिनके बारे में हमें बताया जा रहा है कि काम हो रहा है उन पर, क्या वो तमाम पॉलिसी हर सूबे के हिसाब से प्रॉपरली उसको पर्सनलाइज करने की जरूरत है या नहीं है, हर सूबे के लिए सेपरेट पॉलिसी, हर सूबे के लिए अलग तरीका कार होने की जरूरत है या नहीं, क्या जो चीज पंजाब में हो वो बलोचिस्तान में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। लेकिन इसका जवाब आप देंगे फेसबुक और ट्विटर पर बाखबर सुबह के नाम से, हमारे पेजेस हमारे सोशल वेबसाइट के ऊपर हम मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिएगा और ये भी दुआ करिएगा कि पाकिस्तान जल्द इस दहशतगर्दी के नासूर से पाक हो सके। अल्लाह हाफिज़।